तेलीपार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में आदर्श नवयुवक रामलीला समिति के तत्वाधान में आयोजित रामलीला महोत्सव में धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम संवाद लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बेलीपार थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण का माल्यार्पण कर उनकी आरती उतारी। इस अवसर पर रामलीला समिति के वरिष्ठ सदस्य सुखदेव यादव द्वारा बेलीपार थाना प्रभारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात रामलीला का मंचन किया गया, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ महाराजा जनक के बुलावे पर धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं तो वहां अनेक राजा धनुष यज्ञ में शामिल हुए। सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, परंतु धनुष तिल भर भी नहीं हिला। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आदेश दिया, हे राम, तुम धनुष को तोड़ो। इसके बाद श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज को सुनकर महर्षि परशुराम आए। इसके बाद लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद हुआ। जब परशुराम जी को ज्ञान हो गया कि प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार धारण कर लिया है, तो उन्होंने अपना धनुष श्री राम को सौंपा। उस धनुष पर अपने आप ही प्रत्यंचा चढ़ गई। इसके बाद परशुराम जी वन को चले गए। रामलीला में जनक की भूमिका राजेंद्र यादव, परशुराम जी की कृष्ण मोहन पांडे ने निभाई। इस दौरान आदर्श नवयुवक रामलीला समिति के मुख्य कलाकारों में साहब यादव, संजय यादव, संदीप यादव, मुन्ना यादव, शिवपाल और भोला यादव, इंद्रजीत यादव, लाल साहब यादव, रवि यादव, साहिल यादव, पोलू और तूफान यादव सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। आप लोगों से मेरा भी निवेदन है कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सजा तो खरी गजुली सनसा मेरे सर कारवाए हैं। सजा तो खरी गजुली सनसा मेरे सर के ऊपर कर के आयोजन समिति के प्रमुख व आयोजन समिति के सभी सदस्यों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। मुझे जानकारी बहुत हर्ष हुआ कि इस रामलीला में सभी पात्र सभी कैरेक्टर किसी गांव के हैं और काफी पुरानी रामलीला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि नई पीढ़ी ने भी पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें विशेष रुचि रखते हैं। अभी राम के रूप में विराज मंचा सिंह भाई से मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि साहब बहुत दिन से जो है इस रोल को प्ले कर रहा हूं, तो हमारी ये बहुत शुभकामना है कि आप रामलीला में ही नहीं रियल लाइफ में भी राम को जिए, क्योंकि राम नाम जीवन के आधार है। हर व्यक्ति को राम के आदर्शों को श्री राम के आदर्शों को पालन करना चाहिए और उनके राह पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। पुनः मैं सभी सदस्यों और समस्त ग्रामवासियों को थाना बेलीपार गोरखपुर पुलिस की तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hold on.
सबसे पहले थोड़ी होंगे हमारा देखिएगा महाराज, थोड़ा सा भर कर चलने का कोशिश करिएगा। इसलिए मौका मार के चौका मार लेना। धूल करके धूल करके गंगा जी में धूल करके लगा। अरे अरे महाराज, कब उनके साथ जानी कब आपके साथ जाओ, हम तो डमरू हो गए। सुनिए, क्रोध पाप का जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित कर जाते हैं, समाज से उल्टा चलते हैं। Thank you.
उसने ही बताया कि गुजरपुर ग्राम है, बोला कि हमारा लड़का है इतना बड़ा उल्लू और मुझे लड़का भी बना रहा है। इनको नाम बताओ, हमारा गणपतिया महाराज का नाम बताओ। चिल्लर सिंह। चिल्लर सिंह की बताओ महाराज उनको चलने से हमारे चलने से अंतर है, तो उनको शक्ति को प्रसाद होना पड़ेगा। आपके साथ सरकारी बताइए महाराज, आप कहाँ के राजा हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये बताओ, खौजारी में हम कहता हूँ।